बस खड़ा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डैटसन गो प्लस का बिना एसी के माइलेज चेक करने वाले हैं। एसी पर तो मैंने इसका माइलेज चेक कर रखा है और ये 7 सीटर वाली है। एसी पर मैंने इसका माइलेज चेक कर रखा है तो लगभग 14.5 से 15 का माइलेज देती है ये एसी पर। और आज हम जो हैं बिना एसी के इसका माइलेज चेक करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ये डैटसन की गो प्लस है 7 सीटर वाली। आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे से भी, ये देखिए गो प्लस की बैजिंग दी गई यहाँ पर। और मैंने जो है टैंक फुल करा लिया गाड़ी का और यहाँ पे जो है रीडिंग हम जीरो करेंगे। और पेट्रोल पंप पर हैं अभी हम, यहाँ से मैंने टैंक फुल कराया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग। और ये देखिए टैंक मैंने फुल करा लिया है, तो रीडिंग को अब हम यहाँ से ज़ीरो करते हैं। 508 किलोमीटर दिखा रहा है तो हम यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं। तो रीडिंग जो है अब हमारी ज़ीरो हो चुकी है, ये देखिए रीडिंग ज़ीरो हो चुकी है और टैंक फुल है। तो आज हम जो है बिना एसी के इसका माइलेज चेक करके देखने वाले हैं कि कितना देती है बिना एसी के। और एसी पे तो है 14.5 से 15 का माइलेज देती है। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और आज जो हम इसका बिना एसी के माइलेज चेक करने वाले हैं कि बिना एसी के कितना देती है ये माइलेज। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं और गाड़ी का माइलेज जो है ज़्यादा निकालने के लिए हमें जो है 60 से 70 की स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए और 2000 से नीचे आरपीएम रखना चाहिए। तो आज जो है मैं 60 से 70 की स्पीड से चलाऊंगा, आरपीएम जो है 2000 से नीचे रखूंगा। देखते हैं कितना माइलेज देती है। इस पर जो भी माइलेज आएगा आपके सामने आएगा। और अभी यहाँ पर हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर चल गई है और गाड़ी जो है मैं 60 से 70 से ऊपर ड्राइव नहीं करूँगा। 60 से 70 की स्पीड से मैं गाड़ी चलाऊंगा और आरपीएम जो है अपना 2000 से नीचे रखूंगा। उसके बाद मैं टैंक फुल कराकर देखूंगा, जो भी माइलेज आएगा आपके सामने आएगा। और अभी तो मैं हाईवे पर हूँ, बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी पड़ेगा, बदायूं पड़ेगा बीच में, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी पड़ेगा क्योंकि मैं अभी जो हूँ बदायूं से आगे आया था कुछ काम से उजानी साइड में, और अभी बीच में बदायूं भी पड़ेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है, आपको पता है ट्रैफिक रहता है बदायूं में थोड़ा बहुत। तो वहाँ से निकलेंगे और जो भी माइलेज आएगा आपके सामने होगा, रियल लाइफ टेस्ट होगा ये बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी हमारा बंद है, ये देखिए, क्योंकि मौसम भी आज अच्छा था तो मैंने सोचा है जो है इसका एक बिना एसी की भी माइलेज टेस्ट करा जाए कैसा देती है। और आज जो है हम स्पीड भी 60 के रखेंगे, ये देखिए 60 पे चल रही है मेरी गाड़ी। और आरपीएम भी आप देख सकते हैं 2000 से नीचे है। तो जो भी माइलेज आएगा आपके सामने आएगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है हम बदायूं से निकल चुके हैं और वहाँ से निकलने के बाद अब हम आ चुके हैं बेला डाड़ी पुल पर, दातागंज वाले। ये बेला डाड़ी पुल है और अभी हमारी गाड़ी यहाँ पर चली है 45.9 किलोमीटर चली है। और अब हम चल रहे हैं पेट्रोल पंप पर और पेट्रोल पंप पर टैंक इसका फुल कराकर देखते हैं कितना तेल आता है। और एसी हमारा बंद है और एसी ऑफ पर ही हम ये माइलेज चेक कर रहे हैं। एसी बंद कर हम ये माइलेज चेक कर रहे हैं कि बिना एसी पर डैटसन की गो प्लस कितना माइलेज देती है, क्योंकि एसी पर तो मैंने चेक कर रखा है। और अब हम बिना एसी पर चेक कर रहे हैं और हमारी यहाँ पर जो है 46 किलोमीटर चल गई है। और ये पुल हम जैसे ही पार करेंगे तो आगे पेट्रोल पंप पड़ता है, तो वहाँ पे हम टैंक फुल करा कर देखेंगे कितना तेल आता है इसमें। और आपको एवरेज जो है एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कितना एवरेज देती है ये बिना एसी के और एसी में। एसी में तो मुझे पता ही है 14.5 से लेकर लगभग 15 का माइलेज देती है ये, 14.5 से 15 का माइलेज ये आराम से देती है। एसी पर मैंने चेक कर रखा है और आज जो हूँ मैं इसका जो बिना एसी के माइलेज चेक कर रहा हूँ। तो पेट्रोल पंप जो है आगे आएगा और फिर उसके बाद हम टैंक फुल कराकर देखेंगे कितना तेल आया है। और हमारी 46.6 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो पेट्रोल पंप पर फटाफट पहुँचते हैं और टैंक फुल कराकर देखते हैं कितना तेल आता है गाड़ी में। और अभी हमारी गाड़ी चली है लगभग 46.9 किलोमीटर
और अभी कोई भी सेल फ्यूल का कोई भी सेल कम नहीं हुआ है। और अब हम जो हैं फ्यूल फुल कराकर चेक करने वाले हैं कितना फ्यूल आता है इसमें। और पेट्रोल पंप पर हम पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से हम टैंक को फुल कराकर देखते हैं और कितना तेल आता है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो भी तेल आएगा आपके सामने आएगा। और हम पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं, एसर का पेट्रोल पंप है ये। और यहाँ पर हम चेक करते हैं इसका माइलेज कितना आता है गाड़ी में, तो अब फुल करा कर देखते हैं जो माइलेज आएगा आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 किलोमीटर गाड़ी चली है और एक भी सेल हमारा यहाँ पे अभी कम नहीं हुआ है। तो फटाफट से टैंक को फुल करा कर देखते हैं कितना तेल आता है। फुल आराम से, ये सर बहुत तेज है इसका। बहुत हाई है, अभी पड़ जाता है बाइक वार कहते हैं, बहुत जल्दी डाल दिया। बस खड़ा लगा ₹270 का। तो भाई फाइनली हमने इसका टैंक फुल करा लिया है और हमारी गाड़ी चली थी 47 किलोमीटर। और इसमें जो माइलेज दिखा रहा है MID में, ये दिखा रहा है 20 का माइलेज दिखा रहा है इसमें। और अभी हम कैलकुलेट करने पर देखते हैं कितना माइलेज आ रहा है। 47 किलोमीटर गाड़ी चली है और हमारी गाड़ी में तेल आया है ₹270 का। और तेल आया है लगभग 2.67 लीटर। अभी मैं जोड़ के बताता हूँ आपको कैलकुलेट करके कितने का तेल आया है। तो इसे भाग करने पर हमारा जो है माइलेज आ रहा है 17.6 का माइलेज आ रहा है। 17.6 का माइलेज जो है आ रहा है, लगभग 17.5 का माइलेज आ रहा है। तो ये जो है बिना AC पर जो है 17.5 का माइलेज आ रहा है, और AC पर जो है वही 14.5 से 15 का माइलेज, लगभग वही 2.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ रहा है, 2.5-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है AC चलाने पर और बिना AC चलाने पर। तो भाई यही थी कुछ जानकारी। और कैसे लगी आप सभी को वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कार और बाइक से रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और अगर आपको किसी और बारे में जानना है या आप और किसी कार का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।